एक्ट्रेस पूजा गौर और राज सिंह अरोड़ा की प्रेम कहानी परियों जैसी किसी लव स्टोरी से कम नहीं थी। दोनों का प्यार यूं तो एक दिन वाला नहीं था। दोनों ने एक साथ सिर्फ 4 साल नहीं बल्कि पूरे 10 साल का वक्त गुजारा और पूरी वफादारी के साथ एक दूसरे के बनकर रहे। पूजा और राज की प्यार से भरी पुरानी तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं कि दोनों ने एकदम कमिटेड लवर्स की तरह एक दूसरे के साथ ढेर सारे अच्छे अच्छे पल बिताए। लेकिन अब 10 साल बाद अचानक ऐसा क्या हो गया कि इस प्यारी प्रेम कहानी का एक दुखद अंत हो रहा है। पूजा और राज की प्रेम कहानी को फॉलो करने वाले बताते हैं कि इस प्रेम कहानी को पहली बार खुद पूजा ने ही खुलकर एक्सेप्ट किया था, जबकि राज सिंह अरोड़ा ने शुरुआत में इस रिश्ते में काफी बचते रहे। दरअसल राज और पूजा गौर की पहली मुलाकात साल 2009 में टीवी शो कोई आने को है कि सेट पर हुई थी। इस समय पूजा ने टीवी इंडस्ट्री में एंट्री ली ही थी और वो ज्यादा लोगों को जानती नहीं थी। हालांकि राज सिंह अरोड़ा पूजा से थोड़े सीनियर थे और वो साल 2004 में से ही टीवी में काम करते आ रहे थे। लेकिन 2009 में अचानक पूजा की किस्मत चमकी और उन्हें मेन लीड में टीवी शो प्रतिज्ञा मिल गया। प्रतिज्ञा के रोल में पूजा गौर रातों रात छा गई और ये शो काफी हिट रहा। हालांकि इन सबके बीच एक बड़ी स्टार बनने के बावजूद पूजा अपने पहले प्यार को नहीं भूली। राज सिंह अरोड़ा के साथ उनका रिश्ता बदस्तूर चलता रहा। हालांकि इस बीच राज सिंह को अपनी गर्लफ्रेंड की तरह बड़ी कामयाबी नहीं मिली। राज ने इस बीच टीवी को छोड़ अपनी किस्मत फिल्मों में आजमानी शुरू की। उन्होंने गब्बर इज बैक जैसी फिल्मों में काम भी किया, लेकिन बात कुछ ज्यादा जमी नहीं और साल 2016 में वो दोबारा ये है मोहब्बतें के जरिए टीवी की दुनिया में वापस आ गए। हालांकि पूजा गौर लगातार स्टार बनी रही। प्रतिज्ञा के 2012 में बंद होने के बावजूद पूजा अलग अलग टीवी शो में आती रही और साल 2018 में जब उनकी फिल्म केदारनाथ आई तो उनके रोल की अच्छी खासी चर्चा भी हुई। इन सब के बीच पूजा और राज की प्रेम कहानी भी लगातार चलती रही। दोनों के इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर अक्सर ऐसी तस्वीर और वीडियो सामने आते जिनमें साफ पता चलता है कि दोनों एक दूसरे को खूब प्यार करते हैं। रिलेशनशिप में आने के बाद पूजा और राज एक अपार्टमेंट शेयर करते हैं और वो मुंबई के ऑफिशियल कपल थे। हर पार्टी में साथ जाना, दोस्तों के साथ घर पर एक साथ पार्टी करना और वेकेशन पर भी एक साथ जाना, यानी प्यार के इन 10 सालों में हमेशा ऐसा ही लगा कि पूजा और राज दो जिस्म एक जान है। लेकिन पिछले कुछ वक्त से पूजा और राज के रिलेशनशिप में खटपट की खबरें आने लगी थी। इन खबरों की शुरुआत साल 2018 से शुरू हुई, लेकिन उस वक्त राज ने ही खुद आगे आकर इन खबरों को बकवास बताया था। लेकिन अब पूजा के ऐलान के बाद तो ये साफ लगता है कि साल 2008 में इस कपल के बीच प्रॉब्लम की शुरुआत हो चुकी थी। जैसा कि पूजा ने भी अपने नोट में ये बताया कि काफी सोचने के बाद अब वो इस रिलेशनशिप को खत्म कर रही है। इससे ये जाहिर है कि पिछला काफी सारा वक्त दोनों के बीच ठीक नहीं गुजरा है। सवाल ये है कि इतनी खूबसूरत जोड़ी के इस कदर टूट जाने की आखिर वजह क्या हो सकती है? क्या इसकी वजह प्रोफेशनल लाइफ में मिलने वाली नाकामी है या फिर कुछ और? क्या वक्त के साथ पूजा और राज एक दूसरे से बोर होने लगे थे या फिर उनके बीच कंपैटिबिलिटी इशू आने लगे थे? ब्रेकअप की वजह से फिलहाल दोनों ने ही चुप्पी साधी रखी है। लेकिन ये तो साफ है कि राज और पूजा का रिश्ता टूटना उन लोगों के लिए किसी सदमे से कम नहीं जो प्यार की कहानियों में हमेशा हैप्पी एंडिंग ढूंढने की कोशिश करते हैं।